हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री सर क्लास। मैं डॉक्टर सीवी सर। आज का हमारा जो वीडियो बच्चों वो पी ब्लॉक कंटिन्यूएशन में ग्रुप 16 की बात है अपन करेंगे। आइए सीखते हैं बच्चों ग्रुप 16 किस तरह से हम लर्न करें शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स का सबसे पहले अपन लर्न करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। जनरल इलेक्ट्रॉन कंफिग्रेशन क्या होगा? NH2NP4, यानी कि NH2 के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एक्स वाई जेड एक्सेस। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग सिंगली सिंगली और इस वाले में डबली, यानी कि ये दो जो पेयर है ये लॉन्ग पेयर कहलाएंगे और ये फ्यूचर में आपके बॉन्ड पेयर बन जाएंगे जिसके साथ में इनका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये था बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, जिनकी P4 जो है वो इसकी आइडेंटिटी है। जब भी P4 लिखा मींस ग्रुप 16। अब ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। याद रखने का तरीका और स्टाइल से टीपो, ठीक है, और स्टाइल से टीपो, ये इसका ट्रिक हो गया। अब इसमें 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो इसमें फर्स्ट टू जो है वो नॉन मेटल्स है, यानी कि ऑक्सीजन एंड सल्फर प्योरली नॉन मेटल्स। सिलेनियम और टेलुरियम जो है वो मेटलॉइड्स होते हैं और लास्ट जो पोलोनियम है ये मेटल है लेकिन ये रेडियो एक्टिव भी है साथ में, इसीलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत स्पेसिफिक नहीं होगी, इसीलिए मेटल विद रेडियो एक्टिव। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले एटॉमिक साइज। तो इसमें स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन है वो पीरियड 2 से बिलोंग करता है, जैसा कि अपन कहते हैं पीरियड 2 का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 नंबर ऑफ सेल्स होगी। पीरियड 3 अगर आएगा तो इसमें 3 नंबर ऑफ सेल्स होगी। इसी तरह से पीरियड 4 अगर आएगा तो उसमें 4 नंबर ऑफ सेल्स होगी। यानी कि कंक्लूजन ये रहा स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स जो है एज पर पीरियड नंबर जैसे चेंज होता है, क्योंकि पीरियड नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है जो एन की वैल्यू को इंडिकेट करता है और एन हमेशा सेल नंबर को इंडिकेट करेगा। तो टॉप टू डाउन हमेशा सेल नंबर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी रेडियस भी इंक्रीज होगी, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज। इसीलिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही है, एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। रीजन क्या देंगे? सेल नंबर इंक्रीजेस। रीजन नीचे लिख दीजिए, सेल नंबर इंक्रीजेस, इस वजह से आपका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा। और जैसे लास्ट में लूजली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन बॉटम की तरफ तो बॉटम की तरफ मेटलिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो सेल नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, तो इसके साथ में आप एड कर सकते हैं मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, तो आपका मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ सेकंड प्रॉपर्टीज में अपन आई यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसके लिए ऑफकोर्स जितना इलेक्ट्रॉन आपका टाइटली बाउंड रहेगा उतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम आते हैं तो यहां पे अगर साइज ऐसा है तो यहां पे साइज उससे लार्जर होगा। तो टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लूजली बाउंड होते जाते हैं, इजी टू रिलीज हो जाता है, तो रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम चाहिए होती है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। बट यहां पर ध्यान रखना बच्चों, ये जो लेस देन ग्रुप 15 रहती है, स्टूडेंट्स आपको याद होगा नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन फैमिली का तो NH2NP3 होता है। तो यहां पे जो P है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी शो करता है, इसीलिए इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन फैमिली की वो कम रह जाती है जबकि नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा हो जाती है। इसीलिए ग्रुप 15, क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली है वो ग्रुप 15 है और आपके पास में ऑक्सीजन फैमिली है वो ग्रुप 16 है, तो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहती है क्योंकि उनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए लेस देन। तो इनकी जो ऑक्सीजन फैमिली है इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ग्रुप 15 से कम रहेगी, अदरवाइज जनरल रूल के हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन वो एक्सेप्शन में आ जाएगा ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी एज पर हुंस रूल। तो ये हुंस रूल के अकॉर्डिंग इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज, क्योंकि साइज के साथ में अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा
तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ये एटॉमिक साइज का रेसिप्रोकल, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बेस्ड होती है, इसीलिए ईजीई और ईएन दोनों ही कम हो जाएगी टॉप टू डाउन, और ये कम है ये रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। लेकिन यहां पे भी वही एक्सेप्शन है जो अपन हेलोजन वगैरह में पढ़ते हैं कि जैसे फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, तो रीजन क्या देते हैं अपन, बिकॉज मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2p5 ऑर्बिटल व्हिच इज टू नियरर टू न्यूक्लियस, हेंस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, जिससे क्योंकि ज्यादा एटॉमिक साइज अगर स्मॉल रहेगी तो उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने की वजह से सडन रिपल्शन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। यही वजह है कि जो फर्स्ट मेंबर होता है ज्यादा स्मॉलेस्ट साइज कर देता रादर देन सेकेंड, इसीलिए ये एक्सेप्शन बन जाएगा। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, ठीक है, ईजीई, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एक्सेप्शन ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है और ये भी साइज के साथ कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सा लॉजिक रहेगा, साइज बेस्ड होगी, रेसिप्रोकल ऑफ साइज रहेगी। नाउ अब इसमें लास्ट में नोट लिखिए बच्चों इस प्रॉपर्टीज के बाद में, ग्रुप 16 आल्सो नोन एज ग्रुप 16 को चालकोजन फैमिली भी बोलते हैं, चालकोजन ग्रुप या चालकोजन फैमिली बोलते हैं। इसका रीजन, ये जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक से, जिसमें ब्रास से रिलेटेड होता है और पॉइंट एसोसिएटेड विद सल्फर, सल्फर कंटेनिंग होते हैं, तो उसके बेस पे इसको चालकोजन फैमिली भी बोलते हैं, तो ग्रुप 16 आल्सो नोन एज चालकोजन फैमिली। तो ये था बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अक्रेंसेस, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स उनके अक्रेंसेस क्या है। ऑक्सीजन 46.6% बाई मास ऑन अर्थ पे इसका एग्जिस्टेंस है, जिसको वॉल्यूम है 20% बाई वॉल्यूम इन एयर कह सकते हैं, और इसके ऑक्साइड्स मोस्टली आपको ऑक्साइड्स ही मिलेंगे, प्योर ऑक्सीजन भी होगी। नाउ कम्स टू सल्फर, सल्फर ओर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है और अर्थ क्रस्ट में इसका 0.3-1% तक लगभग होता है, और इसके कुछ जो प्रोडक्ट है आपके ओर्स की फॉर्म में, जैसे सल्फर कंटेंट कैल्सियम सल्फेट विद डॉट टू एच टू, इसको बोलते हैं जिप्सम, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, CaSO4.2H2 इज नोन एज जिप्सम, MgSO4.7H2 इज कॉल्ड इप्सम साल्ट, BaSO4 इज कॉल्ड बेराइट, ZnS इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड, CuFeS2 इज नोन एज कॉपर पाइराइटिस, एंड PbS इज नोन एज गैलेना। तो ये कुछ ओर्स आप देखेंगे और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस है मिक्सर्स जो सल्फर कंटेनिंग्स होते हैं। यस स्टूडेंट, सल्फर का जो ऑर्गेनिक सोर्सेस होते हैं, सल्फर ऑर्गेनिक में भी प्रेजेंट होती है, और सल्फर का जो बेसिक ऑर्गेनिक सोर्स होता है वो है एग, प्रोटीन, गार्लिक, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल इज द ऑर्गेनिक सोर्स फॉर सल्फर। तो ये सारे सल्फर सोर्सेस हो गए। नाउ कम्स टू सिलेनियम एंड टेल्यूरियम, सिलेनियम टेल्यूरियम दोनों ही सिलेनॉइड्स और टेल्यूरॉइड्स मेटल्स की फॉर्म में सल्फर ओर्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सल्फर ओर्स में मिल जाएंगे सिलेनॉइड्स एंड टेल्यूरॉइड्स मेटल्स और मेटलॉइड्स के साथ में। तो ये लास्ट जो पोलोनियम है इट्स ए डीके प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के डीके प्रोडक्ट में आपको पोलोनियम जो फाइंड हो जाएगा, एंड इटसेल्फ इज ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉपी, इस ग्रुप के मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं, जैसे आपने सल्फर में मोनोक्लिनिक रोम्बोहेड्रल्स, जितने भी आप सल्फर की जो 8 सल्फर की जो आप इसमें चेन देखते हैं, तो यानी कि मोस्टली इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एलोट्रॉपस नेचर शो करते हैं, सो दिस शोज एलोट्रॉपी। सेकेंड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज होते हैं जब अपन टॉप टू बॉटम प्रोसीड करते हैं, बिकॉज ऑफ हाई डेंस मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट पॉइंट, द लार्ज डिफरेंसेस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर का जो
मेल्टिंग पॉइंट बोले उनमें लार्ज डिफरेंस नजर आएगा, जबकि ये फर्स्ट और सेकंड मेंबर ही है अगर सीक्वेंस में देख फिर भी इनका डिफरेंस है। तो उसकी जो मेन रीजन है वो है देयर एटोमिसिटी। जैसे ऑक्सीजन कैन मेक ओनली डाया एटोमिक फॉर्म, तो ऑक्सीजन सिर्फ डाया एटोमिक फॉर्म बना सकता है, जबकि सल्फर आपकी एट तक जाती है यानी कि पॉली एटोमिक फॉर्म बना सकती है। इसीलिए इनके लार्ज डिफरेंसेस रहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो फैक्टर कौन सा लगा? एटोमिसिटी, फॉर कितने बॉन्ड्स आपस में सेल्फ एसोसिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, याद रखिए, हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। सो जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज पर होम्स रूल, होम्स रूल आपको याद होगा, तो होम्स रूल में फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल, और सबसे लास्ट में आता आपका इनकम्प्लीट स्टेबिलिटी, इस साइन बढ़ती। तो ग्रुप 15 आपका हाफ फिल्ड स्टेबल की ग्रुप 16 पीछे रहता है। तो यहां पे किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ग्रुप 15 का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लार्जर रहता है ग्रुप 16 से। सो ग्रुप 15 हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, सो लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू ग्रुप 16। ग्रुप 16 से हमेशा ग्रुप 15 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज्यादा रहेगी, ये याद रखना है बच्चों। रीजन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। कंटिन्यूएशन में अब अपन डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो डिस्कशन करना होता है रिएक्शन से पहले वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इससे प्रीवियस में देखा था जो ग्रुप 16 है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? NH2NP4। ये ठीक है, ये अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था NH2NP4, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए वापस से अपन एक बार इसको डिस्कस करते हैं। एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या आउटर मोस्ट सेल का नंबर है, और ऑक्सीजन जो होती है वो पीरियड 2 से बिलोंग करती है। ठीक है, ग्रुप सबका 16 पीरियड 2 से स्टार्ट होगा, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 एंड पीरियड 6 तक आपका पोलोनियम आएगा। ये रेडियो एक्टिव है तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली जो है ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम और टेल्यूरियम के लिए बात डिस्कशन है। तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप ये टू वैल्यू प्लेस कर देंगे, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है पीरियड्स का, ये जैसे ही आप यहां पे प्लेस करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? 2s2 और 2p4। जैसे ये प्रिंसिपल, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है कि ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस कौन कौन सी है। तो ऑक्सीजन के केस में आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो 2s2 और 2p4 को अगर अपन इसको ऑर्बिटल बना करके फिल करें तो हमारे पास में इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसमें डबल रहेगा, और हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहले डीजनरेट ऑर्बिटल में सिंगल फिल करेंगे और फिर डबल स्टार्ट करेंगे, यानी कि टू लॉन पेयर। इसीलिए अपन ऑक्सीजन पे टू लॉन पेयर लिखते हैं क्योंकि हमारे पास में ये आउटर मोस्ट सेल के दो लॉन पेयर हो गए, और टू अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्यूचर में ऑक्सीजन की वैलेंसी बनेंगे क्योंकि ये टू कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी, कोवेलेंसी शो करेगी ड्यू टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑक्सीजन की वैलेंसी बनेगी जिसको अपन ऑक्सीजन की टू वैलेंसी शो करेंगे। ठीक है ना, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाले बच्चों वो है और डी ऑर्बिटल्स के बारे में जानना है। डी ऑर्बिटल के बारे में क्या, कौन सा डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा? तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो जैसे हमारे पास 1s, फिर क्या होता है 2s2p, उसके बाद आता 3s, 3p और 3d। तो आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे जो पीरियड 2 है, तो पीरियड 2 का मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पीरियड 1 के लिए है, ये पीरियड 2 के लिए एंड ऑनवर्ड्स है। तो पीरियड 2 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये ध्यान से देखिए इस लाइन को, पीरियड 2 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग 2d एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें n और l की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इसीलिए ये आपका 2d है। आगे जो वैल्यू होती है n की होती है और l की वैल्यू आपको पता होगा 0, 1, 2, 3, जो sp, df। तो देखो d की भी 2 आ गई, तो जहां पे n और l इक्वल हो जाते हैं वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा,
एस पर एन प्लस एल रूल। इसीलिए पीरियड टू के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट किसी वैकेंट ऑर्बिट जो पेयर्ड फॉर्म में है, ये पेयर्ड फॉर्म के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट किसी वैकेंट ऑर्बिटल में एक्साइट नहीं करा सकते क्योंकि इनके पास में 2d ऑर्बिटल वैकेंट d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए ऑक्सीजन का जो केस होगा उसमें अपन बोलेंगे ऑक्सीजन कांट शो वेरिएबल वैलेंसी, ऑक्सीजन कांट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल। ठीक है, 2d ऑर्बिटल क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज इसके लिए n प्लस l रूल जो है वो डिसऑबे होता है, इसीलिए ये 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि रेस्ट मेंबर जितने भी होते हैं स्टूडेंट सल्फर से ले, अब सल्फर का कितना आया देखो, 3s2 और 3p4 आया। 3s2 3p4 का भी आप अगर बॉक्स बना के देखेंगे इस तरह से, तो ये आपका s ऑर्बिटल हो गया और p के 3d जेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए, और इसमें फिलिंग का तरीका हून्स रूल, फिर डबल करेंगे। तो इसमें भी सल्फर के केस में भी आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में ये जो आउटर मोस्ट का पेयर है ये लॉन पेयर कहलाएगा, इसीलिए सल्फर पे भी अपन 2 लॉन पेयर शो करेंगे और 2 इसके पास अनपेयर्ड है, तो ये 2 वैलेंसी इसकी भी। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि सबकी 2 वैलेंसी तो मिनिमम आएगी क्योंकि सबके पास अनपेड। हाँ, कोई मेटेलिक करेक्टर्स वाले होंगे तो उनकी पॉजिटिव हो जाएगी, अदरवाइज शेयरिंग वाली वैलेंसी 2 आएगी एस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और 2 लॉन पेयर हो गए। अब ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर कोई सल्फर सिलेनियम टेलुरियम से ऐसा एलिमेंट रिएक्ट करता हो केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसमें नेगेटिविटी इन एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनसे ज्यादा होनी चाहिए, और वो केस होता है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये 2 ऐसे एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले होते हैं, तो ये इसके पास में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे सल्फर सिलेनियम टेलुरियम आपके ऑक्सीजन कंपाउंड्स बनेंगे, फ्लोरीन कंपाउंड्स बनेंगे, ये अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे ही ये ऑक्सीजन फ्लोरीन अगर सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पे अटैक करता है रिएक्शन के लिए, तो इनके जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्साइट हो सकते हैं, बस उसके लिए आपके पास डी वैकेंट ऑर्बिटर होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास ये फैसिलिटी नहीं है क्योंकि उसका 2d आता और 2d एग्जिस्ट नहीं करता एस पर। लेकिन जैसे ही पीरियड 3 का एलिमेंट्स आ जाएगा, जैसे ये पीरियड 3 का एलिमेंट्स है, तो पीरियड 3 के एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स 3s और 3p ये तो अपने पास है ही, अब 3d भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसमें जो n की वैल्यू है वो l की वैल्यू से ज्यादा है, इसीलिए 3d एंड ऑनवर्ड सारे d वैकेंट ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। और इस दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉन जो s या p का पेयर फॉर्म में, अगर जैसे आपने देखा ये 2 पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है ये वाले, तो ये आगे d जो वैकेंट है d ऑर्बिटल, d में कितने d जनरेट होते हैं 5, तो इसमें 5d जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास में और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास अनपेयर्ड है, अब यहां का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट हो सकता है, तो देखो अभी कितने अनपेयर्ड है 2। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर के इसमें आएगा तो अब देखो अनपेयर्ड कितने, वो खुद भी अनपेयर्ड हो गया, तो टोटल 4 हो गए। इसका मतलब 2 के बाद अब 4 वैलेंसी भी हो सकती है, कोवैलेंसी, किसमें, जिसमें 3d एग्जिस्ट करता हो या d वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये इलेक्ट्रॉन भी अगर एक्साइट होता है तो यहां पे देखो ये भी अनपेयर्ड हो गया और जहां जाएगा वो भी अनपेयर्ड, तो देखो सारे अनपेयर्ड हो गए, तो कितने हो गए टोटल 6। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ग्रुप 16 की वेरिएबल वैलेंसी कितनी हो सकती है, तो आंसर होगा 2, 4, 6। मैक्सिमम जो वैलेंसी हो सकती है 2, 4, 6 एस पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पहला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो तो इसको बोलते हैं एक्साइट स्टेट 1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर एक्साइट होता है पेयर फॉर्म में तो उसको बोलते हैं एक्साइट स्टेट 2। ठीक है, तो ये मोस्टली ऑक्सीजन फ्लोरीन के केसेस में आपके कंपाउंड बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वही एक्साइट करा सकता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी ज्यादा हो, और मोस्टली वो आपको ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट में आप सल्फर सिलेनियम के केस में भी जैसे इनके पास 3d एग्जिस्ट करेगा तो इनके पास क्या होगा 3 4s2,
तो इनका सिलेनियम क्या हो जाएगा, 4s2 4p4 और 4d आ जाएगा, ये d वैकेंट ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है। इसका हो जाएगा 5s2 5p4 और ये 5d आ गया। पोलोनियम वैसे रेडियो एक्टिव है लेकिन इसके पास में भी 6p हो जाएगा, ठीक है, 6p4 और 6d ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिर्फ 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए बाकी सारे मेंबर जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे और वो 2, 4, 6 डिपेंड्स ऑन एक्साइटेशन, ओके। और बाकी जो ऑक्सीजन है वो वेरिएबल कांट शो या कांट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल एस पर n+l रूल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। ये तो था ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिए, एरो टॉप टू बॉटम क्या वेरिएबल्स हो चेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में और उसके क्या एक्सेप्शंस है वो आपको टॉप टू बॉटम वाले सारे एरो के ऊपर डिस्कशन में मिलेंगे। अब देखिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट एरो यानी कि इसको रीड करते वक्त आपको दिमाग में ये रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन के बारे में अपन डिस्कस करें। पहला पॉइंट ये बच्चों वो अपन ऑलमोस्ट जो बेसिक है उसी का एक कंक्लूजन है ये पूरा। कॉमन ओएस जहां पे भी लिखा उसको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो जहां तक नॉन मेटलिक करेक्टर है और ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अच्छी है तो माइनस, तो इसका मतलब कॉमन इस ग्रुप की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो -2 होगी सबकी, ठीक है, अंटिल अनलेस किसी का मेटलिक करेक्टर। और अदर्स में कौन सी होगी, +2 से +6 तक। ये देखिए -2 के अलावा 2, 4, 6, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि अगर ये मेटलिक करेक्टर है तो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन मोस्टली जिससे भी रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स है, इसीलिए उनके जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उसमें सेंटर एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए +2, +4, +6 तो +2, 2, +6 शो करेंगे और मोस्टली ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन का केस होगा, ठीक है, जिनके साथ सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम रिएक्ट करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जैसे यहां -2 की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि जहां पे गेनिंग करना है तो वहां अट्रैक्शन फोर्स ही, लेकिन जैसे जैसे टॉप टू डाउन जाते हैं तो एज वी डिस्कस इन अर्लियर कि एटमिक साइज इंक्रीज हो जाता है जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी और टॉप टू डाउन में साइज बढ़ने से मेटलिक करेक्टर इनहांस हो जाएगा तो शेयरिंग टेंडेंसीज भी कम हो जाएगी। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ठीक है, पोलोनियम तो शो ही नहीं करेगा क्योंकि पोलोनियम कंप्लीटली रेडियो एक्टिव एज वेल एज मेटलिक करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी अगर होगी तो भी वो पॉजिटिव में आएगी बट इसकी कभी भी नेगेटिव, इसीलिए इस क्रॉस का जो मीनिंग है वो है डज नॉट एग्जिस्ट -2 पोलोनियम, तो इस ग्रुप का जो लास्ट मेंबर है वो कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास में कंप्लीटली मेटलिक करेक्टर आ गया, जबकि जो मेटलॉइड्स होती है उनमें थोड़ा सा करेक्टर नॉन वैलेंट मेटल का रहेगा तो वो माइनस शो करेगी, लेकिन टेंडेंसी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी टॉप टू डाउन एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो पॉइंट स्टूडेंट, टॉप टू बॉटम्स में और क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन ऑलवेज शोस -2, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है और फर्स्ट मेंबर का लीस्ट एटॉमिक साइज होता है ना, तो साइज का चेंजेस आप देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जो साइज है वो आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ये हमारे पास एटॉमिक साइज, तो फर्स्ट मेंबर लीस्ट एटॉमिक साइज शो करता है इसीलिए उसकी -2 की स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। सेकंड थिंग्स, ये ओएस ऑक्सीजन -2 ही शो करेगा, ऑक्सीजन जो है वो +2, 2, +6 वाली कोई भी वैलेंसी शो नहीं करेगा, इसका रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वो है डज नॉट एग्जिस्ट 2d वैकेंट ऑर्बिटल, तो ऑक्सीजन इसका ये देना है कि ऑक्सीजन कांट शो एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज बिकॉज 2d डज नॉट एग्जिस्ट एज पर n+ रूल, इट कंटेन सेम वैल्यू ऑफ n एंड l, ओके, तो ये आपके पास में ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, टॉप टू बॉटम में क्या वेरिएबिलिटीज हो सकती है, तो उसमें जो ऑक्सीजन को छोड़ के नेक्स्ट मेंबर है उसमें सल्फर सिलेनियम और टेल्यूरियम, सल्फर सिलेनियम और टेल्यूरियम शोस +4 विद ऑक्सीजन, यानी कि ये तीनों मेंबर सल्फर सिलेनियम और टेल्यूरियम ये ऑक्सीजन के साथ में आपकी
मैक्सिमम जो कंपाउंड्स बना सकते हैं वो फोर वैलेंसी तक का बना सकते हैं, यानी कि सिक्स वाला इनका स्टेबल नहीं होगा फोर तक, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज लीस्ट एटॉमिक साइज थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स और नेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरेटिव में कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो आपकी कितनी आती है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग 3.5 है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4.0 होती है। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम जो अट्रैक्शन फोर्स है वो प्लस फोर वैलेंसी तक कर सकता है, जबकि फ्लोरीन जो होगा वो आपका प्लस सिक्स तक ले जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन के केस में ओनली आपका तो सल्फर सेलेनियम टेलुरियम शोज प्लस फोर विद ऑक्सीजन, तो ये जो कंपाउंड्स ये तीन एलिमेंट्स है सल्फर सिलेनियम ये ऑक्सीजन के साथ में प्लस फोर तक के कंपाउंड्स बना सकते हैं, सिक्स का कंपाउंड आपको इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। वाइल प्लस सिक्स, देखो इसी भी नीचे नोट में देख लीजिए प्लस सिक्स वाइल प्लस सिक्स विद फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है तो फ्लोरीन मोर अट्रैक्शन फोर्स शो कर देगा तो उसकी शेयरिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इसीलिए फ्लोरीन ही सल्फर सिलेनियम टेलुरियम के साथ में अप टू प्लस सिक्स, जैसे आपने SF6 नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, SF6 से कंपाउंड है तो आप देखो फ्लोरीन के अंदर आपको SF6 मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के केसेस में आपको मैक्सिमम जैसे आपने SO2 SO3 है ना, तो ये आपके एग्जिस्टेंस जो होगी कुछ कंपाउंड्स होंगे लेकिन सारे कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन के साथ में टेंडेंसी नहीं होती है, सिर्फ प्लस फोर तक शो कर सकते हैं और प्लस सिक्स में कुछ कंपाउंड जिनकी स्टेबिलिटी कम रहेगी लेकिन वो एग्जिस्ट करेंगे, बट स्टेबिलिटी वाइज देखेंगे तो प्लस फोर तक स्टेबल ज्यादा रहता है। फिर बाद में टॉप टू बॉटम की अगर बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, यानी कि जैसे आपने कहा इस पूरे ग्रुप के अंदर 2, 4, 6 तक की वैलेंस, तो सब कंपाउंड्स के लिए 2, 4, 6 होगी, सब कंपाउंड्स के लिए क्या होगा, इसके लिए भी 2, 4, 6 होगा, इसके लिए भी 2, 4, जैसे इसके लिए 2, 4, 6 हो गया, इसके लिए भी 2, 4, 6, इसके लिए भी 2, 4, 6, 2, 4, 6, ये रेडियो एक्टिव है यहां तक ले लिया, लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहे हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो सिक्स वाली है टॉप टू बॉटम ये कहलाती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, यानी कि जो सबसे लास्ट स्पेशली टेल्यूरियम कांट शो प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाई इसको बोलते हैं व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू डाउन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिग्री, कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगी, यहां पे हर जगह स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है किसी कंपाउंड के एग्जिस्ट होने के लिए कि वो कितने लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रह सकता है। तो उसका रीजन क्या देते हैं अपन, क्योंकि टेल्यूरियम से जस्ट पहले आप देखेंगे बच्चों तो यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आपका आउटर मोस्ट सेल के जो NH2 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे NH2 MP4 आपका कॉमन है, तो NH2 के इलेक्ट्रॉन थोड़े से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे ये NH2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग जाता है न्यूक्लियस की तरफ, तो अपन इसमें ये कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर, इनर्ट मतलब नो रिएक्शंस और पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कि वैलेंसी कम कर देता है, ये इसका इफेक्ट है। तो जैसे ही इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होगा तो ये वैलेंसी में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, तो यानी कि जब कोई रिएक्शन शो नहीं करता उसको इनर्ट वर्ड से यूज करते हैं, और पेयर मींस टू इलेक्ट्रॉन और इफेक्ट मींस वैलेंसी डिक्रीजेस या स्टेबिलिटी डिक्रीजेस जो इसका इंपैक्ट आता है। तो यहां पे हमने लिखा इसका रीजन क्या है कि टॉप टू बॉटम वाला जो बॉटम की तरफ आता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों नहीं होती है, तो उसका रीजन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको ऑप्शन में भी MCQ में मिलेगा, तो उसका रीजन आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला चूज करना है, ओनली प्लस फोर तक ही स्टेबल, यानी कि जो लास्ट के मेंबर्स है वो प्लस फोर तक ही अपनी वैलेंसी शो कर सकते हैं, प्लस सिक्स इसमें शो नहीं करेंगे, इसीलिए इनर्ट। और इनर्ट पेयर का डेफिनेशन क्या बनेगा, दोस पेयर ऑफ व्हेन NH2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे समझ लीजिए इसको, व्हेन NH2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी केमिकल बॉन्डिंग द इफेक्ट नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, बस वो OMS के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल। तो ये था बच्चों कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी शो करेंगे और उनकी स्टेबिलिटी का डिस्कशन। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, जो फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का वो है ऑक्सीजन, और वो
अपने ही फैमिली मेंबर्स यानी कि जो रेस्ट एलिमेंट सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम के साथ में डिफरेंट बिहेवियर कैसे शो करता है, तो उसके रीजन अपन को देने हैं। एनामलस होने की जो मेन रीजन है वो है उसका स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। जैसे अगर मेंबर्स की बात करें तो ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ओके, यहां पे एटॉमिक साइज सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा और एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो आपकी एटॉमिक साइज जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी टॉप टू बॉटम्स के अंदर। तो यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, तो एनएमएलएस का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट मेंबर है ये ऑक्सीजन, वो अपने ही फैमिली मेंबर के साथ में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक शो करता है जिसको अपन कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो इसमें देखेंगे इस सबसे पहला रीजन है ऑक्सीजन जो है वो स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज है, क्योंकि ये पीरियड टू में आता तो टू ही नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास होगी इसमें, और ऑफ कोर्स जब साइज स्मॉल होगा तो उसका न्यूक्लियस हाईएस्ट अट्रैक्शन फोर्स शो करेगा, इसीलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करता है। ईएन सबसे ज्यादा अपने मेंबर में ऑक्सीजन की होगी, दैट इज एज पर पॉलिंग स्केल 3.5। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट हो गया स्मॉल एटॉमिक साइज, सेकंड हो गया हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और थर्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरह से याद रख लो, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन वर्सेस एफ ओ एन ये थ्री एलिमेंट्स जो है, ठीक है, क्लोरीन एक एक्सेप्शन है, बहुत लिमिटेड कंपाउंड उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, अदरवाइज रूटीन इन जनरल फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्रिएट करते हैं तो उसको अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बोलते हैं। जैसे वाटर का, एक वाटर का ऑक्सीजन नेगेटिव और दूसरा हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो इनके बीच में जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से जैसे आपके पास में HF है तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अमोनिया है, तो इस तरह के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। इसकी वजह से आप देखेंगे H2O लाइटर मोलर मास, ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 2, टोटल मास जो मोलर मास आ रहा वो 18 है, जबकि सल्फर का 32+2 तो इसका मोलर मास आपका 34 आ रहा है। इतना लाइटर मॉलिक्यूल होते हुए भी वो लिक्विड स्टेट में फिजिकल स्टेट शो कर रहा है, जबकि H2S इतनी हैवी होते हुए भी वो गैस है, तो इसका रीजन यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, सेल्फ एसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि अपने ही मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके एक हैवियर मोलर मास में आ जाते हैं, जिससे उसकी फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड। अगर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता तो वाटर भी गैसियस स्टेट में होता, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस है। H2S में अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी फिजिकल स्टेट लाइट रह जाती है और वो गैसियस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये सेल्फ एसोसिएट नहीं हो पाते। सेल्फ एसोसिएट होने के लिए पार्शियल पॉजिटिव, किसी भी बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होना जरूरी है, और ये तभी आ सकता है जब दो कोवेलेंट वाले जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वाले जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तभी सेल्फ एसोसिएशन होगा और उसी हैवीरिटी से आपकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। नाउ नोट में वापस से जो ऑक्सीडेशन स्टेट और दोनों का जो कॉम्बिनेशन में रिजल्ट कंक्लूजन है वो है ड्यू टू नॉन, ये प्रीवियस में भी अपने देखा था, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, 2d एग्जिस्ट नहीं करता ऑक्सीजन के केस में, सो ऑक्सीजन हैव लिमिटेड कोवेलेंसी दैट इज अप टू 2, यानी कि ऑक्सीजन जो फर्स्ट मेंबर है वो मैक्सिमम 2 ही वैलेंसी शो कर सकता है, वो भी नेगेटिव के अंदर, और कोई वैलेंसी नहीं होगी क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है डी ऑर्बिटल, इससे वो अपना इलेक्ट्रॉन जो NH2 NP4 का कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करा सकता, जिससे उसकी वैलेंसी लिमिटेड रह जाती है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, वाइल रेस्ट ऑल मेंबर, जितने भी रिमेन्स मेंबर है सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम, ये रेडियो एक्टिव है, सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम एग्जिबिट एक्सपांडेड कोवेलेंसी, इनकी शेयरिंग टेंडेंसी बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनके पास में अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, जिसके पास 3d 4d 5d है ना, इस तरह से ऑनवर्ड 3d 4d 5d, तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो d में एक्साइट हो सकते हैं और दैट इज अप टू 6 वैलेंसी तक शो कर सकते हैं अदर देन ऑक्सीजन। तो ये था बच्चों एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर विद
सेम फैमिली मेंबर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर्स। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन में ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की रिएक्शन विद हाइड्रोजन H, रिएक्शन विद ऑक्सीजन O, रिएक्शन विद हेलोजन X में आपका फिर कल बाहर आई, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये आपके पास में सबसे पहले अपन इसमें से जो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं वो है टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो फर्स्ट अपनी टूवर्ड्स हाइड्रोजन पे देखिए क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं विद रीजनिंग। नाउ इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप 16 के, उनको ई प्लेस कर दे, एज्यूम कर लीजिए ई, ई इक्वल्स टू इनमें से कोई भी हो सकता है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी अपने पास कितनी होती है, तो ई और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और इनकी मोस्टली 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में EH2 आ जाएगा। और फिर नेगेटिविटी के बेसिस पे अपन इसको क्या लिखेंगे, H2E। ठीक है, लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव पीछे आ जाएगा तो अपन इसको प्लेस कर देंगे स्टूडेंट H2E की फॉर्म में। तो अब E की जगह वैल्यूज प्लेस करो, H2O, H2S, H2SC, H2TE, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है उसको लीव कर सकते हैं। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आते हैं, तो हाइड्रोजन की साइज तो सेम है सब जगह पे, सिर्फ किसकी चेंज हो रही है, ग्रुप 16 के मेंबर्स की चेंज हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ऐसी होगी, सल्फर के साथ है उसका इस तरह से रहेगा, सिलेनियम के साथ में उसकी और इंक्रीज हो जाएगी, टेल्यूरियम से आते आते आपकी एच की साइज हाइएस्ट हो जाएगी बॉन्ड लेंथ में। एज वी नो प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू डाउन द एटमिक साइज इंक्रीजेस, तो हाइड्रोजन तो सेम रहेगा लेकिन आपकी बॉन्ड लेंथ एटॉमिक साइज के साथ साथ में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो इस बेसिस पे सबसे पहला जो है वो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो फर्स्ट लिखा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ विद हाइड्रोजन डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो वीकनेस इन बॉन्ड एंथैल्पी, जो यानी कि अब अगर अपन को बॉन्ड ब्रेक करना है सो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम अगर अपन जाते हैं तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए क्योंकि लार्जर एटॉमिक साइज की वजह से हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसको कंपेयर करो, देखो बॉन्ड लेंथ तो यहां स्टेबिलिटी ज्यादा, यहां रिक्वायर्ड एंथैल्पी ज्यादा चाहिए, यहां पे रिक्वायर्ड एंथैल्पी कम चाहिए, इसीलिए रिक्वायर्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस। इसको अपन कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम जितने भी हाइड्राइड्स है ग्रुप 16 के उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू मोर एटॉमिक साइज। तो ये पॉइंट 2 इसमें डिस्कशन में आ जाएगा। स्टेबिलिटी का अगर क्वेश्चन आता तो हमेशा टॉप वाले को ज्यादा स्टेबल बताना है, बॉटम वाले को लेस स्टेबल बताना, तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन सीक्वेंस में ये हो सकता है। दूसरा स्टूडेंट, अगर कोई बॉन्ड फास्टर ब्रेक होता तो इसके दो बेनिफिट प्रॉपर्टीज अपन को मिलेगी, एक तो एच प्लस जल्दी रिलीज होगा यहां पे, तो इसका मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी बॉटम वाले की ज्यादा आएगी। दूसरा, अगर बॉन्ड ब्रेक जल्दी होता तो अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन भी जल्दी होगा, और जब किसी को अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन जल्दी होगा तो वो सब्सटेंस बहुत अच्छा रिड्यूसिंग पावर कहलाएगा। इसीलिए दो प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, एक तो रिड्यूसिंग पावर और एक आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्राइड्स इंक्रीज, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और ये सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर इंक्रीजेस ऑफ हाइड्राइड्स। और उसके बाद में रिड्यूसिंग पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले, रिड्यूसिंग पावर का मतलब यहां पे हाइड्राइड्स है तो हाइड्राइड्स में अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो सबसे पहले सिर्फ H2T ही अवेलेबल करा सकता है क्योंकि कम बॉन्ड एंथैल्पी में हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सब्सटेंस बहुत अच्छी रिड्यूसिंग पावर शो करेगा, इसीलिए रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम हमेशा इंक्रीज। तो बेस्ट रिड्यूसिंग पावर इसकी होगी, लेस रिड्यूसिंग पावर H2O की होगी। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्वेश्चन जो है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर्स बन सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट अपन डिस्कस करते हैं केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, H2O का आपका जो है वो 273 आ रहा आइस की फॉर्म, 218 फिर बाद में देखो 1 भी, तो पहले को तो आप एक्सेप्शन मान ही लो क्योंकि जो H2O है उसमें सेल्फ एसोसिएशन, जैसा आपने पहले भी डिस्कस किया, इनमें सेल्फ एसोसिएशन की पावर होती है जिससे वो अपना मोलर मास इनहांस कर देता है और उसके चलते इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा आएंगे। इसीलिए फर्स्ट मेंबर यानी कि H2O दोनों ही केसेस में एक्सेप्शन रहेगा, बाकी रिमेन्स मेंबर को कंपेयर करो, देखो 188, 1208
और टू टू, तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, द मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू डाउन फॉर हाइड्राइड्स इंक्रीजेस एक्सेप्ट H2O। तो H2O को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछते हैं तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, H2O को सबसे आगे प्लेस करके ही आप आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताएंगे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट्स में भी वही 3-7, बाकी देखो 2-1-3, 2-3-2 और 2-6-9, तो इसमें भी वही है, बॉइलिंग पॉइंट्स आपका जो होगा वो सबसे ज्यादा जो होगा वो H2O का होगा। तो जब भी आप ऑर्डर लिखें तो H2O को सबसे आगे जरूर प्लेस करना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर एज पर डाटा। ओके, अब दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन कैसा बनेगा इस पैटर्न पे। तो पहला एसिडिक प्रॉपर्टी का अगर ऑर्डर आता है, फर्स्ट थ्री ये जो एस हाइड्राइड्स, एसी हाइड्राइड, टीई हाइड्राइड्स, तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी वो बताई दिया था, तो बॉटम वाला तो सबसे ज्यादा H2T, देन H2SE और देन H2 एंड लास्ट विल बी H2O। रिड्यूसिंग पावर भी वही सेम ही रहता है, एसिडिक और रिड्यूसिंग पावर सेम रहती है, स्टेबिलिटी हमेशा अपोजिट होती है, ठीक है। तो इसमें रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा H2 की, देन H2SE, देन H2। रिड्यूसिंग पावर H2O की नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्विटी से रिलीज ऑफ H नहीं करता। तो स्टूडेंट्स इसमें केमिकल रिएक्शंस और रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हर साल लास्ट 20, वो टूवर्ड्स हाइड्रोजन पे 100% अच्छी तैयारी करना, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान दीजिएगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में नाउ केमिकल रिएक्शन नंबर टू। इससे प्रीवियस अपन ने जो कहा था वो हाइड्राइड्स थे, अब है टूवर्ड्स ऑक्सीजन जिसमें EO3 स्टेबल कंपाउंड बनता है, और इसी में थर्ड है टूवर्ड्स हेलोजन एक्स के साथ में रिएक्शंस, तो FClBr और R। देखिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, सबसे पहले टूवर्ड्स ऑक्सीजन EO3 स्टेबल कंपाउंड्स है लेकिन EO2 भी बनता है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इस केमिकल रिएक्शंस में है ऑल दी ऑक्साइड्स आर EO2 और EO3 बनेंगे, जिसमें EO3 वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। ओजोन भी बनता है ट्राइऑक्साइड फॉर्म में, तो ये ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो गैसियस स्टेट में ऑब्टेन्ड होंगे आपको, और सिलेनियम का जो ऑक्साइड्स होता है ये आपको मोस्टली सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा जो EO2 फॉर्म में है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्साइड यानी कि अगर इस ग्रुप के मेंबर ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड्स डाइऑक्साइड्स बनाते हैं तो उसमें रिड्यूसिंग पावर किस तरह से होगी, तो देखो ऑक्सीजन के साथ में तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सिलेनियम डाइऑक्साइड और टेल्यूरियम डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। और जैसे ही आप सल्फर डाइऑक्साइड टू टेल्यूरियम डाइऑक्साइड की तरफ प्रोसीड होते हैं बॉटम की तरफ, तो आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्साइड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस जो फर्स्ट मेंबर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जबकि जो लास्ट मेंबर है TeO2 ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। स्टूडेंट्स नोट में देखिए, बिसाइड्स EO2 टाइप्स आल्सो फॉर्म यानी कि जो EO2 वाले होते हैं वो मोस्टली EO3 भी बनाते हैं, एंड बोथ ऑक्साइड्स जो EO2 और EO3 दोनों ही एसिडिक नेचर्स के ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि इनकी जो कैटेगरी बनेगी वो सारे ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स कहलाएंगे, वेदर दे आर EO2 और EO3। तो ये इसमें कुछ स्मॉल क्वेश्चंस जो है MCQ के बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सारे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब अपन बात करते हैं टू वर्ड्स हेलोजन। हेलोजन में एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फोर हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इस ग्रुप के मेम्ब्रांस है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई और एक्स की जो रिएक्शन होगी इनसे पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे यानी कि कंपाउंड्स बनेंगे वो EX2, ठीक है, डाइहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स और हेक्साहैलाइड्स, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो वेरी करेगी वो +2 to +6 करेगी, तो इसके अंदर आपके पास में +2, +4 और +6, जैसा कि अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस किया था, तो इसीलिए इसके कंपाउंड EX2, EX4 और EX6 बनेगा। नाउ अब स्टेबिलिटी की अगर बात करें कि कौन सा हेलोजन कितनी स्टेबिलिटी देगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स यानी कि ये कंपाउंड्स अगर बनते हैं तो कौन से हैलाइड के जो कंपाउंड्स वो ज्यादा स्टेबल होंगे, तो वो डिक्रीज होती है साइज के साथ में, ठीक है, विद ई। जैसे फ्लोरो बेटर होगा, देन क्लोरो, देन ब्रोमो और आयोडीन के जो हैलाइड्स होंगे वो सबसे कम स्टेबल्स होंगे, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ अफेक्ट करेगी और वो डिक्रीज हो जाएगी स्टेबिलिटी। एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो हेक्साहैलाइड, जो हेक्साहैलाइड्स है वो आपके SF6 हेक्साहैलाइड, जिसको अपन हेक्साफ्लोराइड्स कह सकते हैं, ये यही कंपाउंड जो सिक्स में स्टेबल होता है
सिर्फ और वो भी SF6 है, ठीक है, जो अदरवाइज हेक्सा के हैलाइड बहुत कम स्टेबल होते हैं किसी की भी, चाहे इसके बने, इसके बने, इसके बने, इसके बने, तो हेक्सा वाले फॉर्म यानी कि सबके EX2 बेटर रहेंगे, फिर EX4 और फिर EX6 होंगे। तो एक ही एक्सेप्शन है, वो है SF6, याद रखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। SF2 SF4 तो स्टेबल है, लेकिन SF4 एक्सेप्शनली स्टेबल है, जो और किसी का नहीं होगा। जैसे आप इसके साथ में रिएक्शन ले लीजिए, SFCl4 SLCl Br4 और SI4, ये सब स्टेबल नहीं होंगे, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल है। और इसका रीजन देना है स्टेरिक हिंडरेंस, जो उसको बोले स्टेरिक रीजन, इसका ज्योमेट्री इस तरह से बनती है, और इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो गैसियस स्टेट और ऑक्टाहेड्रल, जिसमें सारे जो है वो एंगल्स हैं वो एकदम यूनिफॉर्म रहेंगे, सिमेट्रिक, तो स्टेरिक प्रॉब्लम की वजह से ये स्टेबल हो पाता है। तो ये गैसियस स्टेट विद ऑक्टाहेड्रल, इसका याद रखना है। इसके अलावा अमंग टेट्राफ्लोराइड, यानी कि अब अपन अगर E4 जिसमें टेट्राफ्लोराइड की अगर बात करें, जैसे सल्फर का SF4 जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, सिलेनियम का टेट्राफ्लोराइड होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, टेल्यूरियम का जो टेट्राफ्लोराइड है वो आपका सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट विद टेट्राफ्लोराइड्स फॉर्म। स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर आप इनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो sp3d1 आएगा, जिसमें एक लॉन्ग पेयर भी है, तो sp3d1 आएगा, और स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, लेकिन इसमें एक लॉन पेयर जो इक्विटोरियल पोजीशन से, एक इक्विटोरियल पोजीशन पे आपका एक लॉन पेयर रहेगा, और वो लॉन पेयर की वजह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो ज्योमेट्री आएगी उसको बोलते हैं सीशॉ ज्योमेट्री। इन सब की जो ज्योमेट्री होगी वो सीशॉ ज्योमेट्री बनेगी, और बाकी सब जगह पे फोर पॉइंट, जैसे आप SF4 है तो SF F और F, ठीक है, सब जगह ये प्लेस कर देंगे, तो इसको सीशॉ ज्योमेट्री या sp3d1 की वजह से इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो ये इसमें याद रखना बच्चों, फिजिकल स्टेट भी याद रखनी और हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट SE, याद रखिए SE मोनोहैलाइड्स बनाता, डाइहैलाइड नहीं बना पाता, तो इसमें फॉर्म डाइब्रोमाइड्स, डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स बनाते हैं, और ये जितने भी कंपाउंड है जैसे H2F2 H2Cl2 H2Br2 SeBr2 और Se2Cl2, तो ये डाइमर फॉर्म्स कहलाती है, यानी कि मोनोहैलाइड्स ही बनते हैं, मोनोहैलाइड का डाइमर स्टेबल होता है। तो यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज, एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इन सब में, और ज्योमेट्री कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल, जबकि ऊपर वाले टेट्राहैलाइड्स जितने भी होते हैं इन सब में आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 आता है, ज्योमेट्री डायगोनल बाइमिरर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इट सी शो ज्योमेट्री शो करेगा, लेकिन रेस्ट जो डाइहैलाइड ब्रोमक्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स होते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। नोट में ध्यान रखना है बच्चों, ऑल दी डाइमेरिक हैलाइड्स, यानी कि ये सब जो डाइमेरिक हैलाइड्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, प्लस डाइमेरिक हैलाइड्स जितने भी होते हैं वो सारे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ डाइमेरिक हैलाइड्स ही डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करते हैं, इनके मोनोहैलाइड स्टेबल नहीं होते, डाइमर फॉर्म में रहते हैं, तो SE बनेगा लेकिन मोनोहैलाइड्स में स्टेबल, इसीलिए इसका डाइमेरिक फॉर्म है SE2Cl2, ये डाइमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जब आप 2 मोल को हीट करेंगे तो इसमें SeCl4 बन जाएगा और 3Se, तो आप देखो इसमें SE2Cl2 का आप X मान के निकालेंगे तो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, यहां पे आपकी +4 आ जाएगी, यहां पे 0 आ जाएगी न्यूट्रल के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आती हो तो ऐसी रिएक्शन को अपन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस बोलते हैं, और ये आपको किसमें मिलेगी, डाइमेरिक हैलाइड्स के अंदर मिलेगी, जो हेलोजन और ग्रुप 16 के मेंबर्स के बीच में होगा। तो ये थी बच्चों कंप्लीट आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 16, इंक्लूड ऑल एक्सेप्शंस, ज्योमेट्रीज, बेसिक रीजनिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो ये था बच्चों आपका ग्रुप 16 का केमिकल रिएक्शन तक का कंप्लीट वीडियो, अच्छे से वॉच करिएगा, और जितने भी मैंने स्मॉल रीजनिंग्स बताई है और जो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पॉइंट बटर बताए, इनके ऊपर MCQ में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो बने रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, लाइक से सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।